अब जो एक बात यहाँ पे सबसे मेन रह जाती है जी, दैट इज कि सर व्हाट डू यू मीन बाय सैलरी? सैलरी जब हम बोल रहे हैं तो सैलरी में क्या इंक्लूड करना है और क्या आपने इंक्लूड नहीं करना है, और ये हर जगह मैं आपको लिखवाऊंगा और यही सबसे मुश्किल है। ग्रेच्युटी में सैलरी की कुछ और डेफिनेशन है, लीव इन कैशमेंट में सैलरी की कुछ और है, रेंट फ्री अकोमोडेशन में कुछ और है, HRA में सैलरी की डेफिनेशन कुछ और है। ठीक है, तो सैलरी में क्या इंक्लूड करना है और क्या इंक्लूड नहीं करना है, दिस इज द मोस्ट प्रॉब्लमेटिक थिंग। आपको ऊपर वाले तीन पॉइंट भी याद रहेंगे, ठीक है जी, एक्चुअल HRA, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ द सैलरी, या 40% या 50% ऑफ द सैलरी, 50% अगर मेट्रो सिटीज हैं, और अगर चार मेट्रो सिटीज के अलावा कोई और शहर गिवन है, इन दैट केस 40%। बट सैलरी का क्या मतलब है, आप मेरे से लिख लीजिए जी यहां पर BCD, मैं इसको ऐसे याद रखता हूं जी, BCD, दैट इज बेसिक पे जो भी आपकी है, प्लस डियरनेस अलाउंस। डियरनेस अलाउंस कितना, जितना सिर्फ और सिर्फ आपके रिटायरमेंट बेनिफिट के अंदर इंक्लूड किया जाता है, एंड सी इज द कमीशन ऑन द टर्नओवर, परसेंटेज वाइज कमीशन ऑफ योर टर्नओवर, जो अगर टर्नओवर के ऊपर अगर आपको कोई फिक्स परसेंटेज कि कमीशन मिलती है वो यहां पर इंक्लूड कर ली जाएगी। तीन चीजें लेनी है जी, BCD, बी फॉर बेसिक पे, सी फॉर कमीशन, डी फॉर डियरनेस अलाउंस। डियरनेस अलाउंस मैंने आपको बताया था फॉर्मिंग द पार्ट ऑफ रिटायरमेंट किसको बोलते हैं, नहीं बताया आपको? वो ग्रेड याद है जो हमने ग्रेड किए थे कि 20,000 से 10 साल में 500-500 बढ़ते, फिर आप 25 पे आओगे, और इस तरह से वो ना पूरे लेटर से, यू ऑल आर माई स्टाफ एंड आई एम द एम्प्लॉयर। ठीक है, आप में से कोई एक मेरे पास आता है जी पर्सनली इन माय कैबिन, ठीक है, और लेटर से वो मेरे को बड़ा पसंद है जी मेरे ऑफिस के अंदर, बिकॉज उसकी एफिशिएंसी बहुत अच्छी है और वो पर्सन मेरे को बहुत बढ़िया पैसा कमा कर देता है। अब वो मेरे को क्या कहता है कि सर मैं तो कहीं और जॉब देख रहा हूं, ठीक है, तो हमने कहा कि जी क्या हो गया, तो वो कहता है कि सर मेरा गुजारा नहीं होता, ठीक है, और इन दैट केस वो कहता है कि सर ये जो आप डियरनेस अलाउंस मेरे को देते हैं, जो महंगाई भत्ता आप मेरे को देते हैं, जो सर्वाइवल के लिए रुपया देते हैं, ये बड़ा कम है, ठीक है, पे आपकी ठीक है, ठीक है, बट आपका डियरनेस अलाउंस बड़ा कम है, ठीक है। तो मैंने पूछा डियरनेस अलाउंस आपको कितना मिलता है, तो आपने बोला कि जी 10,000, तो मैंने कहा आपके हिसाब से कितना होना चाहिए, आप कहते हैं कि जी 20,000, ठीक है। अब जैसे ही मैं आपका 20,000 करता हूं तो जी पूरा ऑफिस बाकी भी खड़ा हो जाता है, वो कहते हैं कि सर फिर हमारा भी करो, ठीक है। इन दैट केस मैंने एक केस समझा रहा हूं आपको सिर्फ, तो मैंने आपको क्या कहा कि जी आपकी जो भी पे है ना आप वो ले लिया करो, ठीक है, आप अपनी फाइनेंस मैनेजर से उतनी टीम उतना अकाउंट्स डिपार्टमेंट से विड्रॉ कर लिया करो, हर महीने 10,000 रुपए मेरे से अलग से डीएनएस अलाउंस ले लिया करो, आप नौकरी छोड़ के मत जाओ, ठीक है, यू आर वन ऑफ माय फेवरेट एंड आई डू नॉट वांट टू लूज सच अ गुड एम्प्लॉई ऑफ यू, ठीक है। और अगला कहता है कि सर मेरे को भी आप पसंद हो, मेरे को भी आपकी कंपनी पसंद है, यहाँ पे काम करना पसंद है, बट आई हैव टू सी माई फैमिली ऑल्सो, ठीक है, तो मैं भी मजबूरी में जा रहा हूं, तो मैंने कहा मत जाओ, मैं 10,000 रुपए आपको एक्स्ट्रा देता हूं। एक बात बताना कि जिस दिन ये पर्सन रिटायर होगा उस दिन इसकी जब कैलकुलेशन करेंगे ग्रेच्युटी की या जितनी भी, तो उसमें डीएनएस अलाउंस 10,000 लेंगे 20,000 लेंगे, उसमें 10,000 लेंगे जी, 20,000 तो किसी को पता ही नहीं, फाइनेंस डिपार्टमेंट या अकाउंट्स टीम जब उसका ग्रेच्युटी कैलकुलेट करेगी वो तो 10,000 के हिसाब से ही करेगी, ठीक है। तो वो कहते हैं कि जी सिर्फ उतना डीएनएस अलाउंस आपने यहां पर लेना है विच बिकम्स द पार्ट ऑफ योर रिटायरमेंट बेनिफिट, ठीक है, जितना आपके लिए लिया जाता है, जितना आपका एज पर द पे स्केल बनता है। अगर आपको किसी भी वजह से, ये तो मैंने एक अपनी मनमर्जी की एक एग्जांपल, बड़ी हाइपोथेटिकल सिचुएशन आ दी, अगर किसी भी वजह से अगर आपको रिटायरमेंट बेनिफिट में जितना डीएनएस अलाउंस इंक्लूड होना उससे ज्यादा मिल रहा है, तो जितना ज्यादा मिल रहा है दैट विल नॉट बी कंसीडर्ड, ठीक है। तो यहां पर और फ्यूचर में जहां पर भी डीएनएस अलाउंस आएगा, सब में ब्रैकेट में यह बात जरूर लिखी होगी कि सिर्फ उतना डीए लेना है जितना फॉर्मिंग द पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट। लेकिन जब मैं इस पर्सन की सैलरी कंप्यूट करता हूं, लेट अस से ये इंप्लॉई मेरे पास रिटर्न भरवाने आ गया, तो मैं डीएनएस अलाउंस कितना लूंगा, 20,000 रुपया, ठीक है, क्योंकि उसको एक्चुअल में डीएनएस अलाउंस मिल कितना रहा है, 20,000, ठीक है। अब 10,000 उसे ऑन द रूट मिल रहा है और 10,000 उसे ऑफ द रूट मिल रहा है, गलत तरीके से मिल रहा है या जैसे भी मिल रहा है मेरे को नहीं पता, लेकिन टैक्सेबिलिटी जब अगर आप उसकी कंपटीशन ऑफ इनकम करोगे, 5 हेड से इनकम जोड़ोगे, तो उसमें आपको पूरा डीएनएस अलाउंस लेना पड़ेगा, बट HRA की कैलकुलेशन में, RFA की कैलकुलेशन में, ग्रेच्युटी की कैलकुलेशन में, पेंशन की कैलकुलेशन में, हर जगह जब भी सैलरी में डीए ऐड किया जाएगा तो उतना ही डीए ऐड किया जाएगा जितना आपका लेजिटिमेट बनता है, विच बिकम्स अ पार्ट ऑफ योर रिटायरमेंट बेनिफिट।
एक लेयर है, ठीक है। तीसरा है जी परसेंटेज वाइज फिक्स्ड कमीशन ऑन द टर्नओवर। तो अगर आपको टर्नओवर पे कोई फिक्स कमीशन मिलती है तो उसको भी आपने यहाँ पे ऐड कर देना है। तो फिर यहाँ पे सैलरी के साथ ना जरूर लिखिए जी बी सी डी, ठीक है जी। 10% ऑफ द सैलरी जहां पर करना है वहां पर भी सैलरी का क्या मतलब है, बी सी डी आपको समझ में आना चाहिए जी। बी सी डी का क्या मतलब है, बेसिक पे, कमीशन और डेयरनेस अलाउंस, ठीक है। डेयरनेस अलाउंस के आगे ये मेंशन करने की जरूरत नहीं है फॉर्मिंग द पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट, बिकॉज वो हमेशा ऐसा ही होता है जी। हमेशा जब भी कहीं और सैलरी की बात आती है, सिर्फ एक जगह जब टोटल इनकम आपकी कर लूंगा, ग्रॉस टोटल इनकम या टोटल इनकम या पूरे हेड की इनकम, वहां पर मैं डेयरनेस अलाउंस पूरा लूंगा। लेकिन अगर सैलरी को कहीं और 10% 40% 50% के लिए बुलाया जा रहा है तो वहां पे डीएनएस अलाउंस कभी भी पूरा नहीं आता, सिर्फ उतना आता है जितना फॉर्मिंग द पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट। सर ये 40% सैलरी वाला तो जैसे ऊपर जो अपने एग्जांपल बताई थी उसमें उसमें 22 लाख हो जाएगा, 55 लाख का पैकेज था ना 40%, और अगर मुंबई, दिल्ली, चेन्नई या कोलकाता है तो उसके अंदर 27,50,000। तो ऊपर वाला नहीं देखना, तीनों में से व्हिचएवर इज लेस देखेंगे ना, पहले तीनों की अमाउंट भरोगे और फिर आप कहोगे कि जी द विनर विल बी हूसोएवर इज द लेस। सो डीएनएस अलाउंस में जब हम कंप्यूटेशन ऑफ इनकम करेंगे तो उसमें पूरा लेना है, बिल्कुल ठीक बात है, ठीक है। अब ये 1013 ए ने बोला कि जी मैं आपको एग्जम्पशन नहीं दूंगा फॉलोइंग केस में। नंबर वन, लेट अस से मुंबई के अंदर मैंने अपने एम्प्लॉयर को बताया ही नहीं, ठीक है, मेरे पास अपना ही घर था, ठीक है, मेरे कोई रिलेटिव वहां पर रहते थे या फिर हमारा एक फ्लैट वहां पर था और मैं उसी में रह रहा हूँ और एम्प्लॉयर से 1,00,000 रुपए एचआरडी का ले जा रहा हूँ, ठीक है। इन दैट केस मेरा रेंट पेड कितना आ जाएगा, जीरो, ठीक है। सो इन दैट केस ये लीज हो ही जाना था, वो कहता है रेजिडेंशियल अकोमोडेशन ऑक्यूपाइड बाय द सेसी ओन्ड बाय, अगर वो उसकी अपनी है इन दैट केस। और दूसरा वो कहता है कि जी या फिर उसने एक्चुअल में कोई खर्चा इंकर किया ही नहीं। ए और बी हमने कहा सर सेम ही रहो, कहता नहीं बिल्कुल भी सेम नहीं। लेट अस से मुंबई में जो घर है वो मेरे फादर के नेम से था, मैंने कहा पॉइंट नंबर वन तो मेरे पे लगता ही नहीं, बिकॉज देयर इज नो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी इन द मुंबई जिसमें मैं रह रहा हूँ, विच इज ओन्ड बाय मी, इट इज नॉट ओन्ड बाय मी, आप देख लो टाइटल डीड, मेरा नाम उसके अंदर नहीं लिखा हुआ, ठीक है। लेकिन वो कहता है पॉइंट नंबर टू, अगर एक्चुअल में आपको रेंट पे करना ही नहीं पड़ रहा, अगर एक्चुअल में आपको रेंट पे नहीं करना पड़ रहा इन दैट केस एचआरए आपका एग्जाम देगा। ठीक है, तो मेरे जो क्लाइंट्स हैं जी जिन्होंने पिछले साल की जब मेरे से रिटर्न नहीं भरवाई तो कहते हैं कि सर लॉकडाउन था पूरा साल, हम अपने घर पे वापस आ गए और यहीं पे बैठे हुए थे, ठीक है, और रेंट पे हमने किया ही नहीं, ठीक है, और उस वजह से लॉकडाउन वाले पीरियड में उनका पूरा एचआरए टैक्सेबल हो गया, ठीक है। अब हम उनको क्या प्लानिंग करके दे रहे थे कि आप इधर ही अपने मोहल्ले में कहीं पे कोई घर रेंट पे लो और वहां पर लो, अपने घर में मत रहो, ठीक है, क्योंकि आपको एचआरए के ऊपर टैक्स पड़ता है, ठीक है। सो इन दैट केस जो प्लानिंग हम उनको दे रहे थे कि अपने नेबरहुड में चाचा जी, ताया जी, किसी के भी नाम से कोई रेंट डीड साइन करवा लो, ठीक है, और उनको 30,000 रुपये, 50,000 रुपये, 60,000 रुपये का मंथली इनकम रेंटल की दिखा दो, ठीक है। आप कहते हैं चाचा जी तो पहले 30% स्लैब रेट में है, लेकिन आपको शायद पता ना हो घर चाची जी के नाम से हो, ठीक है, और चाची जी के नाम से कोई इनकम ना हो, ठीक है, तो आप रेंट डीड चाची जी के नाम से करो और उनको रेंट पे कर दो, उनकी एक नंबर के पैसे बन जाएंगे, आपका एचआरए सारा माफ हो जाएगा, ठीक है। सो बड़े सारे ऐसे ऐसी जो इस वक्त लुधियाना में आए हुए हैं बिकॉज उनका होम टाउन लुधियाना था और पूरा साल उनको बड़ा अच्छा पैकेज मिला वर्क फ्रॉम होम करके, ठीक है, और उनका एचआरए हमने माफ सारा ये करवाया, यहां पर हमने रेंट एग्रीमेंट उनका बनवा दिया, फाइन, आर वी गेटिंग इट। और जब रिटर्न भरी तो ये एग्जम्पशन क्लेम कर ली। नहीं, गवर्नमेंट देती है जी गुड फेथ पे, ठीक है, आपको कोई कुछ नहीं दिखानी, सिर्फ आपको रिटर्न भरते हुए ये वैल्यूज डालनी है, ठीक है। आगे जाकर मैं आपको बताऊंगा जी स्क्रूटनी की असेसमेंट होती है, 3% केसेस रैंडमली उठाए जाते हैं, अगर उसमें आपकी लॉटरी निकल गई, ठीक है, फिर आप फंस गए जी, फिर आईटीओ ने बुलाना है और कहना है कि जी सब कुछ लेकर आओ, ठीक है, रेंट एग्रीमेंट भी लेकर आओ, डीड भी लेकर आओ, चेक से पेमेंट की होगी वो सारी लेकर आओ, रसीदे भी लेकर आओ, और लैंडलॉर्ड के भी पैन नंबर बताओ, सब कुछ, फिर वो सब कुछ पूछेगा जी, फिर वो तय तक जाएगा, ठीक है। तो रूटीन में मंदिर जाते थे, ठीक है, अपनी प्रेयर्स डिवोट करते रहे कि दया दृष्टि बनाए रखना, ठीक है। चलिए जी आगे, पॉइंट नंबर बी बड़ा अच्छा है जी। वो कहता है कि सर इस साल जब सैलरी की बात हो रही थी तो सैलरी 15 महीनों की टैक्सेबल है, मैं कहा मतलब, तो वो कहता है कि सर 3 महीने की मैंने एडवांस ली है, अब सैलरी में 12 महीने लूं कि 15 महीने लूं, तो मैंने कहा कि जी आप 12 महीने,
ठीक है, 15 महीने में। टैक्सेबिलिटी के लिए जरूर मैंने बोल दिया था रिसीट और ड्यू विच एवर इज अर्लियर, लेकिन आप 12 महीने का एचआरए कैलकुलेट करने के लिए 13 महीने की या 15 महीने की सैलरी थोड़ी ना लोगे, ठीक है। सो इन दैट केस आपको 12 महीने की ही सैलरी लेनी पड़ेगी। तो यहां पर जब मैं बोल रहा हूं आपको वर्ड सैलरी, तो यहां पर सैलरी का मतलब है सिर्फ और सिर्फ सैलरी ऑन द बेसिस ऑफ ड्यू बेसिस, नॉट ऑन द रिसीट बेसिस। तो अगर रिसीट बेसिस पे 2 महीने की ज्यादा सैलरी अगर आपकी टैक्सेबल हो गई है तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं, आपने 14 महीने नहीं लेने, आपने 12 महीने ही लेने। अब मैं कुछ और बोल रहा हूँ, ठीक है, मेरी मर्जी चलती है। That was the salary for the taxability. यहाँ पर जो salary है that is for the computation कि आपको कितना HRA exempt होगा, ठीक है। जब आपने salary compute करनी है, head में जब लिखनी है कितनी salary आपको मिली है, वहां पर आपने due और receipt whichever is earlier के हिसाब से लेकिन वहां पर आपने 14 महीने की रख ली। बट जब आपने अपना HRA कंप्यूट करना है कि कितना exempt होगा, तो वहां पर जब उसने बोला 10% ऑफ द सैलरी, तो एचआरए अगर 12 महीने का है तो सैलरी भी 12 महीने की लेनी है, वो 14 महीने की नहीं लेनी, ठीक है। दोनों में बहुत फर्क है। पॉइंट नंबर सी मेरी तरफ से क्रॉस है जी, वो कहता है एचआरए अगर आप कंप्यूट करना चाहते हो तो इन चार चीजों पे डिपेंड करता है। पता ही है, कहता है एक्चुअल में आपको एचआरए मिला कितना, एक्चुअल में आपने रेंट कितना पे किया, आपकी सैलरी कितनी है, और आप मेट्रो सिटी में हैं या अदर देन मेट्रो में, ये चार चीजों का आपको ध्यान रखना रहेगा। तो मेरी तरफ से क्रॉस है जी, ऑफ नो यूज। लेकिन आगे वो एक अच्छी बात कहता है, कहता है अगर इनमें से कोई भी फैक्टर चेंज हो जाता है तो एचआरए आपको मंथली बेसिस पे कंप्यूट करना पड़ेगा। अगर मैं 6 महीने दिल्ली में था और 6 महीने लुधियाना में था, अब 6 महीने की कैलकुलेशन होगी राइट हैंड साइड वाले कॉलम के हिसाब से 50% ऑफ द सैलरी, और 6 महीने की कंपटीशन होगी इधर के हिसाब से। अब 6 महीने बाद मैं हूं दिल्ली में, मैंने घर चेंज कर लिया जी, तो पहले रेंट था 25,000, अब हो गया 20 या 35, ठीक है, अगर रेंट चेंज हो गया। और 7 महीने बाद शायद मेरा एनुअल इंक्रीमेंट आ गया, मेरी सैलरी चेंज हो गई, ठीक है। तो कहता है अगर इनमें से कोई भी फैक्टर चेंज हो जाता है तो अब आपको मंथली बेसिस के ऊपर कंप्यूट करना पड़ेगा। एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन हम इसका कवर करेंगे अभी। Are we good so far? यहां तक कोई प्रॉब्लम है तो बताएं। एक बार रिकॉल कर लें जल्दी से, सेक्शन 10(13)(a) हमें बताता है कि कितना एचआरए आपको एग्जम्प्ट होगा। एचआरए समझ में आता है आपको, एक कैश अलाउंस आपको दिया जाता है रेंट के बदले में, कि अगर आपको रेंट अगर आप देना पड़ रहा है तो, और उसमें हम आपको कितना एग्जाम करते हैं, लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग 3, जिसके अंदर पॉइंट नंबर 1 हमारे पास आया एक्चुअल एचआरए, दूसरा आया रेंट पेड माइनस 10% ऑफ द सैलरी, सैलरी के साथ ब्रैकेट में लिखेंगे बी सी डी, ठीक है जी, सैलरी का मतलब है बी सी डी। और तीसरा कॉलम आया जी 40% ऑफ द सैलरी, सैलरी का मतलब बी सी डी। बट अगर ये मेट्रो सिटीज हो तो पहले दो सेम है, दैट इज द एक्चुअल एचआरए रिसीव्ड, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ द सैलरी, और थर्ड पॉइंट है जी 50% ऑफ द सैलरी, सैलरी का मतलब है बी सी डी। Are we good? फिर वो कहते हैं कि जी अगर आप अपने ही घर में रहते हो जिसके मालिक आप हो, फिर भी अगर आपको एचआरए मिल रहा है फुल टैक्सेबल, नो एग्जम्पशन, या फिर किसी भी वजह से अगर आपको रेंट नहीं देना पड़ता, ठीक है जी, आप अपने ही ब्रदर के साथ, फादर के साथ, ग्रैंडफादर के साथ रहते हैं और उनका घर है, और वहां पे अगर आपको रेंट ही नहीं पे करना पड़ता, इन दैट केस एचआरए फुली टैक्सेबल होगा, नो एग्जम्पशन विल बी गिवन टू यू। सैलरी का मतलब हमें पता ही है जी। तो उसमें पहले तो मेरी सैलरी आएगी 55 लाख रुपए की, फिर आएगा एचआरए 12 लाख, माइनस आएगी एग्जम्पशन, एचआरए का इंडिविजुअल कॉलम होगा कि 12 लाख में से कितना एग्जम्प्ट हो गया, लेट अस से 6.5 लाख, 5.5 लाख में 55 लाख में ऐड कर दूंगा, और फिर स्टैंडर्ड डिडक्शन ले लूंगा, और फिर आउटर कॉलम में आएंगे जी पैसे 60 लाख, ठीक है। सैलरी पे मिलती है, सैलरी हेड में मिलती है, ठीक है, मैंने आपको बोला था सैलरी हेड में कुछ भी हो। आइए जी इलस्ट्रेशन 2 पढ़ते हैं। मिस्टर अर्जुन रेजिडेंट ऑफ मेरठ रिसीव्स 38,000 रुपीज पर एनम एज अ बेसिक सैलरी प्लस 12,000 रुपए डियरनेस अलाउंस भी बनता है जो विच डज नॉट फॉर्म द पार्ट ऑफ द बेसिक सैलरी, ठीक है जी। तो ये जो बेसिक सैलरी की ओवर एंड अबव है, 5% की इनको कमीशन मिलती है अपनी टर्नओवर अचीव्ड बाय हिम, और टर्नओवर इन्होंने कितनी करके दी है जी 6 लाख, 6 लाख का 5% और जोड़ देंगे हम, दैट इज 30,000 रुपीज, आर वी गुड। और वो कहते हैं 7,000 रुपए इनको एचआरए भी मिलता है, लेकिन ये रेंट कितना पे करते हैं 8,000 रुपया,
ठीक है जी, तो वो कहते हैं कि जी आप बताओ इनकी एग्जम्पशन कितनी मिलेगी। पहला अगर आप कंप्यूट करेंगे तो इनको एचआरए कितना मिला है, 7,000 रुपए पर मंथ और पर एनम। ठीक है जी, सो 7,000 रुपए वाला कॉलम आपको समझ में आता है। सैलरी एक बार नीचे कंप्यूट कर लेते हैं, तो सैलरी में डीए तो नहीं लेना, बिकॉज डीए डू नॉट फॉर्म द पार्ट ऑफ द सैलरी। ठीक है, सो इन दैट केस दो चीजें लेंगे, 38,000 रुपए की इनकी सैलरी है, प्लीज व्हाइट बोर्ड पे एक बार देख लीजिए। सो 38,000 रुपए प्लस कमीशन हमें ऐड करनी पड़ेगी, कमीशन कितनी है, 6,05%, दैट इज 30,000, 30,000 प्लस 38,000, 68,000। सो 68,000 का 10%, 6,800 से ज्यादा आपने जितना भी पे किया है उतने की डिडक्शन मिल जाएगी। आपने पे कितना किया, 8,000 माइनस 6,800, 1,200। और तीसरा है जी, दैट इज अ 40% ऑफ योर सैलरी, बिकॉज ये मेरिट के अंदर है। ठीक है जी, सो इन दैट केस 40% ऑफ द सैलरी, 68,000 का 40%, 27,200, लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग थ्री, 1,200 रुपए। तो 7,000 में से 1,200 आपका मार्क हो जाएगा, बाकी आपको टैक्सेबल देना पड़ेगा। आर वी गुड?